हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरएसी के जवान ने ठेला चालक का सिर फोड़ा, सस्ते दाम में सब्जी देने से मना किया था। जोधपुर शहर के नागौरी गेट एरिया में पुलिस की दादागिरी बढ़ती जा रही है। आए दिन पब्लिक इनके व्यवहार से परेशान हो रही है। क्षेत्र में एक सब्जी ठेला चालक को आज आरएसी के दो जवानों का कोप झेलना पड़ गया। सब्जी ठेला चालक ने सस्ते दामों में सब्जी देने से मना कर दिया, तब उसके सिर में डंडा मार दिया। इससे सिर फट गया और वो लहूलुहान हो गया। घटना से आसपास काफी लोग जमा हो गए। घायल सब्जी वाले को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। इस बात को लेकर विवाद गहरा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागौरी के नया तालाब क्षेत्र में तौसीफ पुत्र हाफिज सब्जी का ठेला लगाता है। वो रोजाना ही सब्जी बेचने के दौरान दो आरएसी के जवानों महेंद्र सिंह और पदम सिंह को सब्जी बेचता है। सब्जी वाले का आरोप है उसे सब्जी के दाम भी कम दिए जाते हैं। आज फिर सब्जी मांगने पर कम पैसे दिए जाने की बात को लेकर विवाद हुआ। तब उन्होंने पहले पैरों में डंडा मारा, फिर सर में डंडा मार दिया। डंडा मारे जाने के साथ ही उसका सिर फट गया और वो लहूलुहान हो गया। इस बात को लेकर क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहाँ थोड़ी ही देर में भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ से समझाइश की। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।